नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आगे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर नंबर तीन पूंजी। पूंजी के लिए यहाँ पर इंग्लिश में शब्द दिया है कैपिटल। सबसे पहले बात करते हैं पूंजी का मतलब होता क्या है। हम पूंजी बोलते हैं कि वह नामा के मूल तत्व में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम यहाँ पर शाब्दिक अर्थ समझेंगे कि पूंजी का अर्थ क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो पूंजी यहाँ पर दिए कि धंधा के मालिक। अब धंधा का मतलब यहाँ पर व्यवसाय से, बिजनेस से है, ठीक है, व्यवसाय से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब धंधे के मालिक द्वारा धंधा प्रारंभ करने के लिए यानी व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जो विनियोग निवेश किया जाता है। अब यहाँ पर विनियोग का वर्ड बात करें तो विनियोग का मतलब बहुत सी चीज़ों से है, ठीक है। तो विनियोग किया जाता है तो उसे हम पूंजी के रूप में समझते हैं। तो एक जाहिर सी बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर मुझे कोई भी व्यवसाय शुरू करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए। तो सबसे पहले मुझे इसके लिए क्या चाहिए, जैसे मान लो कोई भी मुझे एक चाय किटली खोलनी है तो चाय किटली खोलने के लिए मुझे सबसे पहले जो एक लारी होती है वो चाहिए, ठीक है। उसके लिए उसके बाद क्या होता है, जो प्रेमिस वगैरह वो चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, अब वो सब साधन सामग्री चाहिए जैसे चीनी है, चाय पत्ती है, ये सब मुझे चाहिए। उसके बाद क्या कर सकता हूँ, मैं व्यवसाय शुरू कर सकता हूँ। अगर उसके बावजूद भी मेरे पास रकम कम पड़ती है या रकम कम हो रही है तब उसके लिए मैं क्या करूँगा, लोगों से उधार पैसा भी लूँगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, अब ध्यान से ना, मैंने बोला ये चीज़ चाहिए तो जो जो चीज़ चाहिए मुझे वो क्या करता है, मालिक क्या करता है उस बिजनेस के अंदर लगाता है। जैसे मान लो कि अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी को प्रारंभ करना है तो कंपनी को प्रारंभ करने से पहले कंपनी में एम्प्लॉय कितने करने हैं, ठीक है, एम्प्लॉय कितने होने चाहिए, कितना फर्नीचर करना है, सब क्या करना है। तो जो मालिक है ये सब सोचता है, ये सब सोचने के पश्चात क्या करता है, उसमें वो निवेश करता है, मतलब इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। पैसे के अलावा मतलब रोकड़ है, संपत्ति है, ठीक है, या अन्य कोई भी वस्तु है वो क्या करता है, उसके अंदर निवेश करता है। और वो जो चीज़ निवेश करता है उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर निवेश और विनियोग का मतलब यही से है। आगे बात करता हूँ यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द। तो सबसे पहली बात करें यहाँ पर एकाकी व्यापारी। अब एकाकी व्यापारी की अगर बात करूँ तो पूंजी शब्द का जो उपयोग किया जाता है वो कौन करता है, तो मालिक करता है, क्योंकि अकेला व्यापारी होता है, अकेला इंसान होता है, तो वो जो क्या करता है उसके अंदर पूंजी निवेश करता है या फिर मान लो संपत्ति निवेश करता है या फिर रोकड़ निवेश करता है। तो वो सब पूरी बात को हम पूंजी के रूप में गिनते, क्या करते हैं, पूंजी के रूप में गिनते हैं। दूसरी बात करूँ यहाँ पर तो साझेदारी पेढ़ी के लिए जो पूंजी शब्द का उपयोग होता है वो किसके लिए, यहाँ पर प्रत्येक साझेदार के लिए। और कंपनी के लिए क्या उपयोग होता है, अंश पूंजी का प्रयोग किया जाता है जिसे हम अंशधारी कहते हैं, और जिसे हम इक्विटी शब्द यानी इक्विटी अंश पूंजी भी क्या है, ऐसे शब्द ज़्यादातर प्रचलित है। तो यहाँ बात करें तो पूंजी का सामान्य सा अर्थ अर्थात ये है कि मालिक के द्वारा जब व्यवसाय प्रारंभ करने जाता है तब उस समय व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए मालिक जो जो चीज़ें लेकर आता है उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी के रूप में कहते हैं। तो यहाँ पर पूंजी का जो सामान्य सा अर्थ है यहाँ पर दिया हुआ है और इससे संबंधित कुछ सामान्य शब्द दिए हैं जिसे हम समझते हैं।